टीवी एक्टर पल वी पुरी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद तमाम सितारे उनके समर्थन में खड़े नजर आए। अब कहा जा सकता है कि पीड़िता की मां ने भी पल वी पुरी को निर्दोष बताया है। पीड़िता के परिवार के सदस्य ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि पीड़िता की मां का कहना है कि एक्टर निर्दोष है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पीड़िता के पिता उन्हें झूठे आरोप में फंसा रहे हैं, जिससे वह अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रही है। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पीड़िता की मां बीते 10 सालों में अपनी शादी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बीते 2 सालों से उनके पास उनकी बेटी भी नहीं है। पीड़िता की मां के साथ ही हमारा सपोर्ट भी पल के साथ है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। स्टेटमेंट में यह भी दावा किया जा रहा है पीड़िता की मां अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रही है, और ऐसे में अब पीड़िता के पिता ने ये सब साजिश के तौर पर किया है ताकि वो पीड़िता की मां की छवि कोर्ट के आगे बुरी दिखा सके और उनकी बेटी उनके पास ही रहे। स्टेटमेंट में आगे कहा गया है, पीड़िता की मां पूरी तरह से टूट चुकी है और उन्हें आपके समर्थन की जरूरत है। इसके साथ ही वो खुद पल वी पुरी का समर्थन कर रही है क्योंकि वह निर्दोष है, उसे जबरदस्ती इन सब बातों में फंसाया जा रहा है। ये सब कुछ पीड़िता के पिता के द्वारा किया गया है। हमें विश्वास है कि जल्द ही सच सामने आएगा और जितना पल को आपका समर्थन चाहिए उतना ही पीड़िता की मां को भी।